भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में कहीं ना कहीं भारतीय टीम के साथ बेईमानी तो हुई है। अगर अंपायर की वह गलती देखी जाए तो शायद यही कारण है कि 140 करोड़ भारतीयों का दिल टूट गया अपनी टीम को विजेता बनते देखने का। लेकिन आपको बता दे, अंपायर की इस नादानी कह लीजिए या फिर गलती, जिसकी वजह से यह सब हुआ है। और इस बीच टीम इंडिया की हार के बाद रतन टाटा का भी गुस्सा जमकर फूटा है। अंपायर की फटकार लगाते हुए उन्होंने आईसीसी से जो कुछ भी मांग करी उसे सुनकर आप भी सलाम करेंगे, तो चलिए बताते हैं पूरी खबर के बारे में। लेकिन अगर आप भी भारत के समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। टीम इंडिया की बल्लेबाजी मुकाबले में शर्मनाक रही। हालांकि रोहित ने 31 गेंद में 47 रन की पारी जरूर खली, तो विराट ने भी 54 रन बनाए, लेकिन युवा खिलाड़ियों ने साथ नहीं दिया। कल राहुल ने अंत तक लड़ाई करी और 66 रन बने, जिसके चलते भारतीय टीम 240 रन से ज्यादा स्कोर नहीं बना सकी। और गेंदबाजी में जब भारतीय टीम उतरी तो शुरुआत में 3 विकेट तो 47 रन के स्कोर पर गिरा लिए थे। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि हमारी टीम आसानी से इस मुकाबले को जीत भी लगी, लेकिन हेड और लबुशेन के बीच ऐसी साझेदारी रही कि उसके बाद विकेट ही नहीं गिरा। दोनों ने अपने टीम को इस मुकाबले में जीत दिला दी। हेड ने शतक लगाया तो लबुशेन अर्धशतकीय पारी खेली ही। टीम इंडिया की हार के बाद रतन टाटा का जमकर गुस्सा फूटा है। उन्होंने कहा, भारतीय टीम की हार का सिर्फ और सिर्फ मुख्य कारण रहा अंपायर की बेईमानी। उनसे गलती तो हुई है, इस बात को वह स्वीकार करे या ना करे, लेकिन ऐसे बड़े मुकाबले में इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी अंपायर को फैसला बेहद सोच समझ कर लेने चाहिए। उन्होंने यह नहीं सोचा कि अगर उनका यह फैसला गलत हुआ तो कितने लोगों का दिल टूट सकता है। अगर वह खिलाड़ी को आउट दे देते तो आउट ही दिया जाता थर्ड अंपायर के रिव्यू करने के बावजूद भी। लेकिन बड़े मुकाबले में इसका गहरा असर देखने को मिलता है। पहले पाकिस्तान की टीम के साथ हुआ, अब भारत के साथ हुआ। मुझे लगता है अंपायर के खिलाफ एक्शन लेने चाहिए। आईसीसी इस तरह के अंपायर को बड़े टूर्नामेंट के इन मुकाबले में ना रखा करे। उनकी वजह से आज 140 करोड़ भारतीय दुखी है, वरना वहां से अगर भारत को विकेट मिलती है तो एक नहीं उम्मीद जन्म लेती है। और गेंदबाज अपना एफर्ट डालते, यह बात कहना गलत नहीं है कि अंपायर पर एक्शन होना चाहिए। और टीम इंडिया के साथ पूरा भारत देश खड़ा है। वह हार भले ही चुके हैं, लेकिन हम अपने टीम को सपोर्ट करना कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने शानदार क्रिकेट खेली, ऐसी क्रिकेट के लिए हम उन्हें सलाम करते हैं। इस तरह से रतन टाटा ने टीम इंडिया के समर्थन में बात करते हुए अंपायर की फटकार लगाई। वैसे आप सभी उनकी महानता को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के हार के साथ 140 करोड़ भारतीयों का दिल टूट गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम की जीत के बाद कई तरह के इल्जाम उनके ऊपर लग रहे हैं। भारतीय टीम का मनोबल बढ़ाने पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब इस हार के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है और गुस्से में कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे, तो चलिए बताते हैं मोदी के पूरे बयान के बारे में। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि भारतीय टीम के साथ बेईमानी हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो वही हार के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का गुस्सा भी जमकर फूटा है। उन्होंने कहा, भारतीय टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली, हम अपनी टीम को हमेशा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे खिलाड़ियों के साथ आज बुरा वक्त है तो हमारा कर्तव्य बनता है उन्हें सहारा देने का। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। लेकिन पीएम मोदी ने कहा, कहीं ना कहीं भारतीय टीम के साथ इस मुकाबले में बेईमानी हुई है, अंपायर की गलती रही है, जिसकी वजह से भारतीय टीम को हर का खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर अंपायर सही फैसला देते तो वह बुमराह की गेंद पर LBW आउट हो जाते और वहां से मुकाबला पलट सकता था, क्योंकि कई बार देखा जाता है एक विकेट गिरने के बाद आने वाले बल्लेबाजों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन अंपायर ने उन्हें नॉट आउट करार दिया, जिसके बाद DRS लेने के बाद भी अंपायर कॉल के चलते अंपायर की बात को ही माना गया। हालांकि मोदी ने कहा कि यह गलत फैसला जब टीम की उम्मीदों को चकनाचूर कर सकता है तो मुझे लगता है ऐसे अंपायर पर बैन लगना चाहिए। साथ ही ICC के नियम के अनुसार मुकाबला को भी दोबारा करना चाहिए, क्योंकि अपने आप में यह गलत फैसला है।
किसी एक अंपायर के गलत फैसले की वजह से 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीद टूट चुकी है, इस पर आईसीसी को एक्शन लेना होगा। इस तरह से मोदी ने अपनी बात कही, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या वास्तव में इस मुकाबले को दोबारा करना चाहिए या नहीं, अंपायर की बेईमानी की वजह से कमेंट सेक्शन में बताइए। वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम हारी नहीं है बल्कि हराया गया है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया टीम और अंपायर की बेईमानी के चलते भारतीय टीम को आज खिताब अपने हाथ से गंवाना पड़ा। एक ऐसी ही गलती अंपायर की आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय टीम जाकर भी इस वर्ल्ड कप को नहीं जीत सकी। अंपायर की घटिया हरकत को देखने के बाद आपका भी खून खौल जाएगा। तो चलिए बताते हैं किस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम और अंपायर ने बेईमानी करी, जिसकी वजह से जीता हुआ मुकाबला भी भारतीय टीम हार गई। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि भारतीय टीम के साथ बेईमानी हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुभमन गिल 4 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बड़ी ही आक्रामक बल्लेबाजी करी। 10 ओवर का खेल भी समाप्त नहीं हो पाया था, टीम ने 76 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिया था। उसके बाद रोहित शर्मा 31 गेंद में 47 रन बनाकर आउट हुए और आईआर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने 81 पर 3 विकेट खो दिए थे। इसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने धीमी गति से बल्लेबाजी करते हुए साझेदारी बनाने की कोशिश की। दोनों ने टीम का स्कोर 148 रन तक पहुंचा दिया था 29 ओवर में। उसके बाद गेंद विराट के बल्ले का किनारा लेते हुए विकेट में जा लगी और 54 के स्कोर पर वह भी आउट हो गए। उसके बाद जडेजा भी 9 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल अकेले लड़ रहे थे, सूर्य कुमार यादव ने उनके साथ जरूर दिया, लेकिन टीम दबाव में थी। 40 ओवर में लगभग 190 टीम ने बना लिए थे और राहुल उसके बाद 66 रन बनाकर आउट हुए। सूर्य कुमार यादव भले ही क्रिश पर थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 250 रन बनाना भी भारतीय टीम के लिए मुश्किल था। दरअसल भारतीय टीम ने 240 रन तो बनाए थे, लेकिन जवाब में भारतीय टीम ने गेंदबाजी में कहर सा ढहा दिया था। पहले मोहम्मद शमी ने डेविड वार्नर को आउट किया और उसके बाद जसप्रीत बुमराह ने मार्च और उसके बाद स्टीव स्मिथ को 47 रन के स्कोर पर 3 विकेट कर दिए थे। यहां से भारतीय टीम की उम्मीद लगभग जिंदा हो गई थी मुकाबले को जीतने में। उसके बाद हेड और लबुशेन के बीच साझेदारी हो गई। दोनों ने टीम का स्कोर लगभग 150 के पास पहुँचा दिया था, लेकिन उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने गेंदबाजी के लिए जसप्रीत बुमराह को बुलाया और उन्होंने सेठ बल्लेबाज लबुशेन को योरकर बोल डालकर LBW आउट कर दिया था। हालांकि अपील के बाद अंपायर ने इस नॉट आउट करार दिया और जब DRS लिया गया तो देखा गया कि गेंद स्टंप में लग रही थी, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दिया, जिसके चलते अंपायर की बात को माना गया और नॉट आउट करार दिया गया नियम के अनुसार, जो कि अंपायर कॉल होता है। लेकिन यहां पर अगर अंपायर आउट दे देते तो रिव्यू के बाद भी भारतीय गेंदबाज की झोली में यह विकेट आ जाता और वहां से मुकाबला को पलटा जा सकता था, लेकिन यह अंपायर की गलती ही रही। ऐसी ही गलती पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में भी हुई थी, जिसके चलते उन्हें बाहर होना पड़ा वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट से। लेकिन अंपायर की बेईमानी के चलते भारतीय टीम के विजेता बनने का सपना टूट गया। रोहित शर्मा ने भी इसी बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि पहले तो हमारी बल्लेबाजी खराब रही, लेकिन गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत तो दिलाई थी और ऐसा लग भी रहा था कि शायद यहां से मुकाबला पलट सकता था। अलग ही बीच में साझेदारी हुई, लेकिन जब बुमराह ने सफलता दिलाई थी तो वह अंपायर की गलती की वजह से हमें विकेट नहीं मिला। कहीं ना कहीं हमारे साथ बेईमानी तो हुई है, अगर वह विकेट मिल जाता तो आगे गेंदबाजों को उम्मीद मिलती और शायद मुकाबला हमारे पक्ष में आ सकता था। इस तरह से रोहित ने अपनी बात कही, लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या वास्तव में भारत के साथ बेईमानी हुई है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।